आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी तो कुछ कहा ही, अभी आए चेक। आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ ठीक है, तो ये तो है आपके एस्केप वेलोसिटी है ना। तो एस्केप यस वेलोसिटी सर। जैसे आपने अब इसको इतने एस्केप वेलोसिटी से जो है सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, अब ये सैटेलाइट जाएगा ऊपर, और ऊपर जाके जो भी इसकी ऑर्बिट होगी है ना, जो भी इसकी ऑर्बिट होगी उस ऑर्बिट में जाके क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ है ना। जो भी इसकी ऑर्बिट होगी उस ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ। तो जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता है तो वो इसकी कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, कुछ इस तरह से है कि ये तो हमने अर्थ बनाई, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर हो गया ओ, ठीक है, ये अर्थ की रेडियस हो गई आर। अब आपने यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है, तो सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद क्या होगा, अर्थ की इसकी सैटेलाइट की कुछ ऑर्बिट होगी और उस ऑर्बिट में ये अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व करे। ये मान लो अपना ये सैटेलाइट हो गया और सैटेलाइट का मास है स्मॉल है, ठीक है, और जो हाइट है इसके अर्थ की सरफेस से वो क्या है, एच हाइट। तो इसमें इस अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व करेगा वो इसकी क्या कहलाती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहलाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेट। रिप्रेजेंट करेंगे वी ओ से। समझ में आए नहीं आया बताओ, ठीक है, यस सर। अब पर और पॉइंट सर ऑफ व्यू इसके बता हमेशा दीजिए। वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना? वो डिपेंड करेगा ना, फॉर्मूला आएगा आपके पास उस पर डिपेंड सर करेगा। क्योंकि स्पेस में तो मतलब फ्रिक्शन तो लगता ही नहीं है। हाँ तो फॉर्मूला आ जाएगा ना आपके पास, आप जो जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा उस फॉर्मूले में आप देखो क्या क्या क्वांटिटीज आ रही है, उससे अपन बता देंगे। 2 मिनट वेट करो बस, देखो आप है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अपन बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ में आई क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर हम यस लिखना सर। चाहें तो ये होगा कि इट इज अ वेलोसिटी रिक्वायर्ड वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू सेंड द सैटेलाइट, सेंड द सैटेलाइट इन हिज ऑर्बिट। ठीक है, उसकी ऑर्बिट में जो है सेंड करेंगे उसको, और ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है वो उसकी क्या कहलाती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। तो आप ये देखो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इस जगह कहीं पर भी किसी भी एक जगह ले लो, ये सर्कुलर सेंट्रीपेटल मोशन कर रहा है फोर्स। तो कौन सा लगेगा। सेंट्रीपेटल फोर्स। हाँ तो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपेटल तो सेंट्रिपिटल फोर्स इस पे कैसा लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड सेंटर अच्छा टुवर्ड इस द केस में जो सेंटर। सेंट्रिपिटल, ये एम तो मास ऑफ अर्थ ले लेता हूँ, इस केस में जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसका फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स। फॉर्मूला ग्रेविटेशन क्या लिखेंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम जी एम मल्टीप्लाई एम एन किया, अपॉन आर स्क्वायर। कितना आएगा बोलो, एंजल आर इज कैप एच स्क्वायर। आर प्लस एच स्क्वायर। आर प्लस एच आर स्क्वायर। ठीक प्लस है भाई, तो ये है। यस बात तो सर। आपको समझ में आती है कि ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा, इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स का फुलफिलमेंट कौन करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा। तो उसका फॉर्मूला आपने लिख दिया। अच्छा सेंट्रिपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, जिसमें ये लीनियर है। एम एम वी वी स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय एम आर। वी स्क्वायर बाय आर। वेरी गुड। तो यहाँ पर एम तो इसका मास आ जाएगा उस बॉडी का जो कि इसमें सर्कुलर मोशन कर रही है, तो वहां पे अपना सैटेलाइट है। वी ओ का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये वेलोसिटी आपने वी ओ मानी हुई है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो एम वी स्क्वायर ही हो गया डिवाइड बाय आर। आर मतलब क्या आ जाएगा, सर्कुलर मोशन जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस वो कितनी है आपकी, आर प्लस एच। ठीक है, इजिकल टू अपन क्या लिखेंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। समझ में आया, इससे इसको सर इनको कैसे, इक्वेट ये क्यों करेंगे? तो फॉर्मूला लगाया ना आपने, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है ना। तो नहीं सर, आपने इन दोनों को इक्वेट क्यों करा ऐसा? इक्वेट इसलिए करा कि जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ये सैटेलाइट सर्कुलर, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उस केस में सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको क्या सर। बोलते हैं अपन, सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, और इस केस में जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसका फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो कर रहा है ना,
एक्चुअली हमने क्या करा, सेंट्रिपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर कर दिया, क्योंकि इस केस में जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसका फुलफिलमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, इसलिए ठीक है। इसे स्मॉल एम से इस स्मॉल एम को काट दो, तो आप देखो कि वी ओ का स्क्वायर जो आएगा आपके पास, वो आपके पास आ रहा है जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच आर, ठीक है। या आप यहाँ से लिख सकते हो कि भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच आर आर। प्लस एच यहाँ तक आई बात समझ में, सिंपल है एकदम, आसान है ना। यस अब अगर हम ये कहें कि यस इफ इफ द सैटेलाइट, इफ द सैटेलाइट इज, इफ द सैटेलाइट इज नियर टू अर्थ सरफेस, बस एक केस ले रहे हैं हम यहाँ पर, इफ द सैटेलाइट इज नियर टू अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस के पास में है तो हम क्या कर सकते हैं, एच को नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट एच, एच को क्या कर सकते हैं हम, नेगलेक्ट, अदरवाइज आपको एच भी लेना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो अगर एच को नेगलेक्ट किया जाए तो वी ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाई आर आ जाएगा ना, ठीक है। और यस अगर सर इस आर से अपन मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड करें तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ जाएगा आपके पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर यहाँ बच जाएगा। अब बताओ ये जी एम अपॉन जी आर हाँ स्क्वायर क्या होता है, ग्रेविटेशनल हाँ एक्सेलरेशन, अरे अर्थ सरफेस ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन हाँ, तो ये वी यू ओ जी इज इक्वल आर टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी आर, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला जाएगा, तो आपके काफी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे जिसमें आपसे रिलेशन पूछेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का। आप देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था सर आपका, अंडर रूट 2gr, एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट 2gr, इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 और अंडर रूट gr अलग अलग कर सकते हो। अब ये अंडर रूट gr यस क्या है, देखो अंडर रूट gr क्या वी और बाय कुछ नहीं, रूट टू, एस्केप क्या ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो आप क्या लिख सकते हो, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी ऑफ ओ इज इक्वल ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ऑर्बिटल तो आपसे वेलोसिटी इसका रेशियो पूछेगा, तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 बाय वन बाय टू के टू बराबर होगा, ठीक है। रूट इसके नीचे ले जाओगे ना आप तो ये यस बराबर, सर ठीक है। तो कहीं आप अभी तब एक्सरसाइज टू करोगे तो उसमें कई सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट ये रिलेशन पूछा होगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बता यस देता हूँ, आज मैंने जो ये सब आपको सिखाया है, ये एक्सप्लेन करें फॉर्मलेस वगैरह, तो इसमें ऐसा है कि फॉर्मूले मैंने इसलिए बता दिए क्योंकि आप एकदम से ये नहीं कहोगे सर ये आ कहाँ से गए, है ना, तो इसलिए हमने फॉर्मूले भी आपको ड्राइव करके बताएं। अदरवाइज आपको अभी एटलीस्ट ये काम तो करना है कि एटलीस्ट आपको फॉर्मूले याद रखने सारे, जैसे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट 2gr, ये भी ध्यान रखना है स्मॉल जी है कि कैपिटल जी है, और इसी तरह से आपको ऑर्बिटल यस वेलोसिटी का भी सर फॉर्मूला याद रखना है कि भाई ये अंडर रूट जी आर होता है और इनके बीच का रिलेशन ये होता है, ठीक है। डेरिवेशन ठीक है याद रखते हो, बहुत अच्छी बात है, और नी भी होता है तो भी कोई अभी इतनी बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि आगे जाके हायर क्लासेस में ही आ जाएगा, पर बिकॉज इन फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी आपके हैं तो इसलिए आपको ये तो याद रखना ही पड़ेंगे फॉर्मूले तो, ठीक है। अब अपना इतना टॉपिक हो चुका है कि मैं कैपलर्स लॉ करा सकता हूँ आपको, है ना, सबसे लास्ट में कैपलर। यस सर अब कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कुछ